अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की जो मेरी वीडियो है ये बच्चों के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में जो है मैं प्ले डो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही सॉफ्ट बनती है और इसको बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो इसको जो है बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया हुआ है, सॉल्ट लिया हुआ है, नीम गर्म पानी है और थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है मैंने। तो सबसे पहले जो है हम एक बड़ा सा बोल ले लेंगे और बॉल के अंदर आपको कितना बनाना है, मैं यहाँ पर जो है 4 टेबल स्पून जो है ऑल पर्पस फ्लावर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। और 4 टेबल ऑल पर्पस फ्लावर में जो है हम 2 टेबल स्पून के करीब जो है सॉल्ट ऐड करेंगे। तो जस्ट जो है ऑल पर्पस फ्लावर का जो है हम जितना ले रहे हैं, आप सॉल्ट जो है उसका हाफ यूज करेंगे। अब हम इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल डालेंगे और पानी जितना भी रिक्वायर होगा उतना वाटर ऐड करने के बाद हम इसकी सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेंगे। तो ये एक जो है बहुत ही अच्छी रेसिपी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है जो मदर्स जो होती हैं बहुत वरी हो रही होती हैं कि बच्चा छोटा है और कहीं उनकी एब्सेंस में वो इसको मुंह में ना डाल ले और इसमें केमिकल्स ना मिले हों। तो आपने ये घर पे अगर डो रेडी की है तो आप बिल्कुल इस चीज़ से फ्री हो सकती हैं। आपको ये बिल्कुल टेंशन नहीं होगा कि आपका बच्चा इसको मुँह में, क्योंकि वो डाल ही नहीं सकता, ये इतना सॉल्टी होगा। और बाय द वे अगर वो डाल भी लेता है तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं है कि जो उसको नुकसान करेगी। तो यहाँ पे जो है हमने इसकी बिल्कुल सॉफ्ट सी जो है वो डो रेडी कर ली है। अब इसमें जो है आप इसको जितने भी आपको कलर आपके पास मौजूद हैं आप उतने कलर में इसको बना सकते हैं। आप इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो है उसको डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे जो है मैं 3-4 कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसको जो है आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। और ये बहुत जो है लंबे टाइम तक अगर आपने इसको बच्चे जैसे कि आम जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं वो भी डो अगर ओपन करके रख दी जाए तो ड्राई हो जाती है, सेम इसके साथ भी वही चीज़ है। अगर आप इसको कवर करके रखते हैं तो ये काफ़ी दिनों तक चल जाती है। यहाँ पे जो है मैं पाउडर फॉर्म का जो फूड कलर होता है, जो पाउडर फॉर्म में आता है, मैंने उसका भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो पहले जो मेरे पास जेल कलर फूड कलर मौजूद था मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, और बाद में हम उसको भी इस्तेमाल कैसे हम कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे मैं वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जेल कलर यूज़ किया है। अब हम ये मिराल कर डो के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत सॉफ्ट, देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट है, हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। और इसका जो है इसमें सॉल्ट डाला है आपने, जिसकी वजह से जो है ये ख़राब भी नहीं होगी, वो उसके लिए प्रिजर्वेटिव है सॉल्ट जो है। छोटे से जो मेरे पास ये प्लेडो का कंटेनर था मैंने उसके अंदर इसको डाल दिया है। थोड़ा देर के लिए हम इसको बंद करके रख देंगे ताकि ये जो है सेट हो जाए। तो आपको जिस जिस कलर में बना लिया, आपके पास जो भी कलर मौजूद है आप वो कलर इसके अंदर ऐड कर लें। अब मैं यहाँ पर जो है ड्राई कलर, जो आमतौर पे घरों में जो ज़ाफ़रान कलर होता है मौजूद होता है, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर लिया है, पाउडर फॉर्म में है वो, और उसके अंदर सिर्फ मैंने 1 ड्रॉप वाटर डाल के पहले उसको मिक्स कर लिया था, फिर उसके बाद जो है मैं डो के साथ उसको मिक्स कर रही हूँ। तो पहले आप वाटर ऐड करने के बाद ही आप डो से मिक्स करें, अगर आप ड्राई डालेंगे तो आपका कलर सही नहीं आएगा। तो ये देखिए ये फूड कलर है, ये सारे फूड कलर से हम रेडी कर रहे हैं। और इसी तरह से मैंने ज़ाफ़रान कलर भी ऐड किया और हाथ थोड़ा सा वो पोर्शन जो है मैंने वो वाइट भी रखा है। तो देखिए कितना सॉफ्ट है ये, बहुत सॉफ्टली ये जो है रोल हो जा रहा है। आपका बच्चा जो है बहुत इंजॉय करेगा और ये बहुत चीप भी है।
तो आप जो है अभी भी आप अपने बच्चे के लिए ये ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो बहुत इंजॉय करेंगे। मेरे बच्चे बहुत इंजॉय करते थे इसको, और वो बहुत बार ख़रीद कर लाते और फिर जो है उसको खेलते हुए वैसे ही छोड़ कर चले जाते थे और वो फिर ड्राई हो जाती थी। तो फिर मैंने जो है ये घर भी बनाना शुरू किया, और अब तो मैं अक्सर ही इसको बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा मैं ये आपसे भी शेयर करती हूँ। और ये देखें, ये इतना सॉफ्ट है कि ये जो है बाज़ दफ़ा हम बाहर की जो लेकर आते हैं डो, तो जब हम इस मशीन में डाल कर प्रेस करते हैं तो इतनी टाइट होती है कि निकल नहीं रही होती है। और ये इतनी सॉफ्ट है कि ये देखिए दूसरी जगहों से भी लीक करके बाहर आ गई है। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा हम आइसक्रीम बनाते हैं, तो मैंने कहा चले ठीक है। और ये जो है जी आइसक्रीम रेडी है, तो इनको जो है उसके ऊपर टॉपिंग भी करनी थी, तो चेरी की टॉपिंग भी हो गई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे, आप उन्हें बना के ज़रूर दें। हमें याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।